फेस्टिव सीजन चल रहा है एंड करवा चौथ इज़ ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर सो आई थॉट कि करवा चौथ के लिए कुछ रिकमेंडेशन आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए हाय गाइज दिस इज रश्मि वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइज फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत टाइम से कंटेंट नहीं आ रहा है एंड आज मैंने मेकअप भी नहीं किया है बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी मेकअप करने की दो महीने से लोअर बैक में इतना पेन है स्लिप डिस्क हुआ है तो मैं uh, उतना ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ वर्कलोड नहीं ले पा रही हूँ और इतने टाइम से वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी और आज जब मैंने सोचा कि इतना टाइम हो गया मुझे कंटेंट करना ही करना है मैंने खुद को बहुत मोटिवेट किया तो फिर आ, मैंने मेकअप को छोड़ दिया क्योंकि जितनी देर मैं में मैं मेकअप करती बैठ के उतनी देर में मैं, मैं वीडियो शूट कर लूँगी एंड आज के जो ब्लाउज पीसीज हैं ना वो मैंने कुछ इस तरीके के पिक किए हैं कि करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्टली फिट होते हैं एंड आने वाले वेडिंग सीजन में भी आप इनको यूज़ कर पाओगे एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज़ पीसीज हैं काफ़ी अच्छे खासे आप हैवी साड़ीज़ के साथ में भी इनको स्टाइल कर सकते हो एंड कुछ ब्लाउज पीसेस ऐसे हैं कि आप प्लेन साड़ी के साथ उनको स्टाइल करोगे तो आपकी साड़ी का लुक इन्हेंस हो जाएगा वो हैवी दिखने लग जाएगी तो आई होप कि आज का जो हॉल वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस पिंक कलर का एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज़ एंड गाइज ये बहुत प्यारा मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यारी एम्ब्रॉयडरी आएगी इसमें आप देख सकते हो मैं पास से दिखा देती हूँ आपको कि इस तरीके का मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी इस पर हो रही है और बहुत ही फाइन एम्ब्रॉयडरी है और ये एल्बो तक इसकी स्लीव्स रहेगी और इसमें अंदर लाइनिंग दी हुई है बाय द वे और ये मैंने मंगाए थे 34 साइज़ में और ये मुझे आराम से फिट आ रहे हैं सिर्फ मेरे को स्लीव्स में थोड़ा सा लूज़ होता है बिकॉज थोड़ी सी मेरी बाजू पतली है तो मुझे स्लीव्स में लूज़ होता है अदरवाइज़ ये मुझे बिल्कुल सही आ रहा है हल्का फुल्का लूज मुझे एकदम से फिटेड ब्लाउज़ पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर सांस नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा लूज़ पहनना प्रेफर करती हूँ तो ये उस हिसाब से मुझे 34 बिल्कुल सही आता है एक इंच का गैप रह जाता है कि थोड़ा सांस लेने में आसानी हो तो आप उसके हिसाब से साइजेस अपने चूज़ कर सकते हो जैसे आप पहनते हो ब्लाउज़ पीस बहुत सुंदर है बाकी ट्राइन में तो आप देख ही सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा है उसमें पूरा दिखता नहीं है ट्राइन में क्योंकि सारी जब आप पहनते हो तो आधा ही ब्लाउज़ शो होता है इसलिए मैं आपको पूरा पास से दिखा दे रही हूँ इसकी एम्ब्रॉयड वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर लग रही है तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इसमें दूसरे कलर ऑप्शन भी हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर कलर्स हैं तो आप अगर आपके पास कोई ऐसी साड़ी है जिसका कलर आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो आप वो कलर भी ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट इज इस ब्लैक कलर का ब्लाउज विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी मुझे लग रहा था कि ये बहुत कड़ा कड़ा ब्लाउज होगा बट ये उतना ज़्यादा कड़ा नहीं है आप इसको पहन सकते हो आराम से और ये भी मैंने 34 साइज में मंगाया था स्लीव्स इसकी

ब्लैक ब्लाउज आपके काफ़ी सारी साड़ीज़ पे मैच कर सकता है सारीज आप प्लेन साड़ीज़ वगैरह पे स्पेशली आप ब्लैक ब्लाउज स्टाइल कर सकते हो या फिर आपके पास कोई प्लेन ब्लैक साड़ी है ना आप उस पर भी स्टाइल कर सकते हो विद गोल्डन बॉर्डर काफ़ी अच्छी लग रही है पीछे डोरी दी हुई है टाई करने के लिए वो सारे ब्लाउजे में दी है पिंक वाले ब्लाउज में भी दी हुई थी एंड उसमें तो बहुत ही सुंदर सी लटकन भी थी तो ये इस तरीके का कुछ ब्लाउज है ओवरऑल क्वालिटी इज ओके ओके मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है लाइक like, पिंक वाले की क्वालिटी बहुत अच्छी थी आप उस को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो एंड इसकी क्वालिटीज़ ओके ओके अगर मतलब उतनी ख़राब भी नहीं है मैं बोलूँ कि बहुत खराब क्वालिटी है तो खराब भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा हाई एंड क्वालिटी भी नहीं है बिकॉज तो प्राइस रेंज भी बहुत कम है उस हिसाब से क्वालिटीज़ ओके तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इसमें भी आई थिंक कलर ऑप्शन हैं तो आप दूसरे कलर भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको दूसरे कलर्स लेने हो लुक आप ट्राई देख ही सकते हो नेक्स्ट इज़ दिस ऑरेंज कलर का ब्लाउज जिसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत सुंदर लगी थी हैवी एम्ब्रॉयडरी है स्लीव्स का भी वर्क मुझे बहुत सुंदर लग रहा था इसका तो इस तरीके का कुछ चेक बना हुआ है स्लीव्स पे और यहाँ पर इतना सुंदर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी दी हुई है पूरी स्लीव पे इतना सुंदर पैटर्न है इसका मुझे बहुत सुंदर लगी थी इसकी एम्ब्रॉयडरी एंड ये भी फ्रंट ओपन है तो आप इसको कंसिडर uh, कर सकते हो और इसमें बैक साइड में भी इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी हो रही है गाइज आप देख ही सकते हो एंड पूरे ब्लाउज में छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं और पीछे डोरी भी दी हुई है टाई करने के लिए बूटे कुछ इस तरीके के छोटे छोटे दिए हुए हैं तो ये बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट साड़ी के साथ में बहुत सुंदर लगेगी है। आप ग्रीन साड़ी के साथ में इसको स्टाइल कर सकते हो आप ब्लू साड़ी के साथ में इसको स्टाइल कर सकते हो बहुत सुंदर ब्लाउज लगा मुझे एंड करवा चौथ पे आई थिंक आपको बहुत काम आने वाला है एंड इस वेडिंग सीजन भी आपको बहुत काम आएगा तो इसको तो आप डेफिनेटली ट्राई कर लो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्राइस वाइज देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से तो ज़्यादा ही अच्छी है इसकी क्वालिटी तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा फाइन है एंड इसमें भी आई थिंक दूसरे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप चाहो अगर आपको ऑरेंज कलर नहीं चाहिए आपको कोई और कलर चाहिए तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट आई ऑर्डर दिस गोल्डन ब्लाउज क्योंकि मेरे पास गोल्डन स्लीवलेस uh, में ब्लाउज था ऑलरेडी बट स्लीवस के साथ में मेरे पास कोई ब्लाउज नहीं था एंड जितनी भी साड़ीज़ वगैरह होती हैं ना मतलब उनमें ज्यादातर ज़्यादातर साड़ीज़ में गोल्डन वर्क हो रहा होता है बॉर्डर में या फिर बूटे में तो इसलिए मुझे एक ब्लाउज चाहिए था जो स्लीव्स के साथ हो जिसको कहीं भी पहन के जाया जा सके लाइक स्लीवलेस ब्लाउज आप हर जगह नहीं पहन सकते आफ्टर मैरिज शादी से पहले आप कहीं भी पहन सकते हो बट शादी के बाद हर जगह आप नहीं पहन सकते होते उसको तो मुझे स्लीव्स में चाहिए था तो मैंने ये गोल्डन ब्लाउज ऑर्डर किया एंड इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हो रही है काफ़ी फाइन एम्ब्रॉयडरी इसका फैब्रिक वगैरह सब कुछ अच्छा है पैडेड ब्लाउज बाय द वे ये सारे ब्लाउजेज़ पैडेड ब्लाउज़ हैं मैं बताना भूल गई आप लोगों को तो उस हिसाब से इनके प्राइस काफ़ी कम है तो इसमें इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रही है नीचे भी बॉर्डर दिया हुआ है और स्लीव्स पे भी हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रही है तो इनको इसको आप किसी भी कलर की साड़ी के साथ में स्टाइल कर सकते हो कोई भी कलर की साड़ी हो रेड हो ब्लैक हो ग्रीन हो पिंक हो ऑरेंज हो कोई भी कलर की साड़ी हो गोल्डन ब्लाउज सब पे चलेगा इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया एंड पूरे ब्लाउज में ना आप देख सकते हो बैक में भी आपको इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी और टाई करने के लिए डोरी भी मिल जाएगी और पूरे ब्लाउज में छोटे छोटे बूटे दिए हुए हैं सीक्वेंस में तो ये इसका वर्क वगैरह सब कुछ अच्छा है एंड ये कलर ऐसा है कि आपके हर साड़ी के साथ में मैच करेगा आप किसी भी कलर की साड़ी के साथ इसको पहन सकते हो तो ये मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए एक बार और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा आपकी बहुत जितनी भी साड़ीज़ हैं ना जिनके ब्लाउजेज़ आपको लगता है कि लेने हैं या कुछ चेंज करना है उसमें साड़ी का सेम ब्लाउज़ नहीं पहनना है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो आपकी मेरे ख्याल से जितनी भी सारीज होंगी ना एक हाथ को छोड़ के सबके साथ मैच कर जाएगा नेक्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल मरून कलर का ब्लाउज और ये भी पैडेड ब्लाउज है वेलवेट ब्लाउज है इसमें इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रही है मैंने इससे पहले एक वेलवेट ब्लाउज़ और शेयर किया था मीशो से बट उसमें वो पूरा प्लेन था उसमें ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं थी बट इसमें काफ़ी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हो रही है आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है सीक्वेंस में है गोल्डन एम्ब्रॉयडरी टाई करने के लिए डोरी दी हुई है जो कि आगे, आगे आपको दिख रही है मैं पीछे कर देती हूँ इसको एंड ये बैक से ओपन है फ्रंट से नहीं है बहुत सुंदर लग रहा है फ्रंट से एंड इसके स्लीव्स पे भी आप देख सकते हो इतना चौड़ा बॉर्डर दिया हुआ हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा एंड अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो ये वेलवेट ब्लाउजेज़ ही आपको काम आने वाले हैं क्योंकि ये ही आपको सर्दी से बचाएंगे तो मैं मेरे पास वेलवेट ब्लाउजेज़ हैं वेलवेट दुपट्टा हैं जो जो कि मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ उनमें सर्दी कम लगती है और आप थोड़े स्टाइलिश भी लगते हो एंड सर्दियों में वेलवेट का फैशन आता ही आता है और इस साल तो वेलवेट बहुत ट्रेंड में रहने वाला है और पीछे आप देख सकते हो कि इसका बैक से ओपन है और इस सेम एम्ब्रॉयडरी बैक साइड में भी हो रही है और इसमें डोरी है टाई करने के लिए इसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ मुझे बहुत अच्छी आई थी सारे ब्लाउजेज़ मैंने थर्टी फोर साइज़ में ही लिए हैं मैं अपना साइज भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंसन कर दूंगी और सारे ब्लाउजेज़ के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो इन केस आपको कोई भी ब्लाउज पसंद आए सभी में कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आपको कोई ब्लाउज़ पसंद आ रहा है बट कलर दूसरा चाहिए तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो दूसरे कलर भी आप ट्राई कर सकते हो तो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर टुडे आई होप कि आपको आज के ब्लाउज रिकमेंडेशन काफ़ी अच्छे लगे होंगे इस फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन के लिए आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी एंड अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आइकन प्रेस कर लेना ओब्वियसली तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर